गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस का जो हमारा दिया है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में, उसको किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। अभी आप लोगों को बताया गया था इसके पहले कि कंपेरेटिव को हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं या पॉजिटिव को कंपेरेटिव में कैसे चेंज करते हैं। अब मान लीजिए कोई सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में दिया गया है, उसको हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे परिवर्तित करेंगे, क्योंकि डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का महत्वपूर्ण रूल है और एक्सरसाइज के माध्यम से सीखेंगे तो आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जैसे आपको बताया गया सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हमेशा दो से अधिक के लिए प्रयोग की जाएगी और पॉजिटिव डिग्री हमेशा एक के लिए प्रयोग की जाती है, तो कैसे बहुत सारे को हम एक में कन्वर्ट करते हैं, बात इस चीज की आती है। ठीक है, तो अब आप एक्सरसाइज हम यहाँ पे लिख रहे हैं और एक्सरसाइज को आप लोग देखिए और समझिए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा गया नैनीताल, पहला एक्सरसाइज हमने लिया लिखा गया नैनीताल इज नॉट कोल्डेस्ट ऑफ All the hill stations. All the hill stations. अब यहां पर देखिए कोल्डेस्ट लगाया गया। अब कोल्डेस्ट को अगर हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोल्ड। अब हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है कि पॉजिटिव में चेंज हो जाए और इसकी मीनिंग भी ना चेंज हो, तो क्या लिखा गया नैनीताल इज नॉट, ठीक है, कोल्डेस्ट लिखा गया, द आर्टिकल द भी लगा लीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा, नॉट द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द हिल स्टेशन। अब क्या करना है आपको, पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपको लिखा जाएगा कि सम अदर लगा दिया गया, क्या लिखा गया, सम अदर हिल स्टेशन Some other hill stations are at least क्या लिखा गया as cold as Nainital, लिखा गया some other hill stations, मतलब कुछ और अन्य स्टेशन भी ऐसे हैं आर एट लीस्ट, मतलब कम से कम एज कोल्ड, इतने मतलब क्या है, ठंडे हैं जितना नैनीताल, लेकिन जितना नैनीताल है उतना ठंडा है लेकिन इससे अधिक नहीं है, इसका मतलब नैनीताल क्या हो गया, हमारा सबसे कोल्डेस्ट सिटी है। ठीक, अब यहां पर सम अदर हिल स्टेशन अगर हम यहां पर लगाते, मान लीजिए नो अदर हिल स्टेशन आर सो कोल्ड एज नैनीताल, आप वैसा भी लगा सकते थे, लेकिन हम सम से भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसके एक एक्सरसाइज से इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया। अगला मान लीजिए लिखा गया कानपुर, देखिए अब इसी का जस्ट आ गया, लिखा गया क्या, कानपुर इज द बिगेस्ट हो गया सिटी इन यूपी, बिगेस्ट सिटी इन यूपी। अब आप यहां पर कानपुर सबसे बड़ा शहर कर दिया गया, अब यहां पर लिखा गया क्या, नो अदर सिटी, मतलब कोई अन्य शहर इन यूपी is as big as कानपुर। देखिए अब यहां पर दो एग्जाम्पल हमने आपको दिया, यहां पर लिखा गया नैनीताल इज नॉट द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द हिल स्टेशन। अब थोड़ा सा आप समझिए,
नैनीताल सबसे ठंडा हिल स्टेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? और अन्य स्टेशन भी ठंडे हैं, ये हमारा निगेटिव में था, इसको हमने पॉजिटिव में चेंज कर लिया। हमने लिखा सम अदर हिल स्टेशन आर एट लीस्ट, मतलब उतने ही ठंडे हैं एज कोल्ड एज नैनीताल, जितना कि नैनीताल। लेकिन यहां पर देखिए, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन इन यूपी। अगर ऐसा दिया जाता है कि मतलब कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, तब आप क्या लगाए? नो अदर सिटी, मतलब कोई अन्य शहर, और नो अदर लगा दिया गया, ए सिंगुलर वर्ब ले लिया। जबकि यहां पर सम अदर हिल स्टेशन लगाया गया, इसलिए क्या लिया था? प्लूरल लिया था। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि हम कैसे किसी मतलब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव वाले सेंटेंस को किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री वाले में चेंज करते हैं। अगर हमारा अफर्मेटिव है तो हम इस रूप में चेंज करेंगे, अगर नहीं निगेटिव है तो इस रूप में चेंज करेंगे, अगर हमारा अफर्मेटिव है हम इस रूप में चेंज करेंगे। क्लियर हो गया? तो आपको ऐसी एक्सरसाइज अन्य बनानी है, एक आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको क्या करके आइएगा, बनाइएगा, बनाने के बाद अगर नहीं आएगा फिर आप इसको बताइएगा, ठीक है? ये जब हम आपकी किताब से ही ले रहे हैं, जैसे लिखा गया शिवानी, ठीक है, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। देखा क्या? शिवानी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्लियर हो गया? मतलब क्या है? सबसे अधिक बुद्धिमान छात्र है या स्टूडेंट है। अब इसको आपको चेंज करना है किसमें? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिएगा। आप चेंज करने के बाद आप लोग भेजिएगा, उसके बाद इसका आंसर आपको बताया जाएगा, ठीक है? नहीं तो आपकी किताब में भी दिया गया है, आप उसको चेक करिए। क्या अगर आपको प्रॉब्लम होती है तब आप उसको क्या करिए? पूछिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।